नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों आइए गद्य की चर्चा प्रारंभ करते हैं और गद्य की चर्चा के क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उपन्यासों की, क्योंकि याद रखिएगा मित्रों अगर गद्य से प्रश्न बना तो सबसे पहला जो प्रश्न बन सकता है वो हिंदी उपन्यास से बन सकता है। तो हम चर्चा करते हैं हिंदी उपन्यास की। हिंदी उपन्यास में सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आएगा कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो याद रखें मित्रों, हिंदी का पहला उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु। कब आया था? 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। यद्यपि कुछ विद्वानों ने पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा लिखी गई भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, लेकिन ज्यादातर विद्वान इसे पहला उपन्यास मानते हैं। इसलिए अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है तो आप सीधा सीधा टिक करेंगे परीक्षा गुरु को। इसके बाद हम आते हैं, देखिए मित्रों हमने महत्वपूर्ण उपन्यासकार और उनकी रचनाओं को समेटने का प्रयास किया है। हम आते हैं नंबर दो पर, श्रद्धाराम फुल्लौरी जी के बाद देवकी नंदन खत्री जी। देखिए देवकी नंदन खत्री जी बेसिकली मित्रों तिलिस्मी और अयारी उपन्यासकार हैं। तिलिस्मी और अयारी का मतलब है कि वे उपन्यास जिसमें जादू आदि का प्रयोग करते दिखाया गया है, पढ़ने में बड़े ही रोचक है। चंद्रकांता टीवी पर सीरियल आता था, देखा होगा आप लोगों ने। अगर धार्मिक सीरियल की बात करें तो उसके बाद रामायण महाभारत आदि के बाद यदि कोई सीरियल सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ है तो वह है चंद्रकांता। बांध रखा था लोगों को, यही है तिलिस्म और अयारी की विशेषता। तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनका अन्य उपन्यास है चंद्रकांता संतत, ये 24 भाग में है, और भूतनाथ ये 6 भाग में है। ठीक है, भूतनाथ अपूर्ण उपन्यास था, इसको इनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री जी ने पूरा किया। तो इस तरह से मित्रों आपको यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बताता चलूँ, चंद्रकांता, देखिए आज तो टेक्नोलॉजी बड़ी डेवलप हो चुकी है, आज जो भी चीज़ें होती हैं फटाफट उनका ट्रांसलेशन अनुवाद हो जाता है, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना जो है विकास नहीं था तकनीक का। तो पता है लोगों ने चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी, और यह किसी उपन्यास और उपन्यासकार की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। लोगों ने इसलिए हिंदी सीखा कि हमें चंद्रकांता पढ़ना है। तो इसके बाद सीधे महत्वपूर्ण उपन्यासकार में हम आते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ। देखिए मित्रों आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने लेखकीय जीवन का प्रारंभ जो है उर्दू से किया था। वो उर्दू में जो है नवाब राय के नाम से लिखते थे, और जब उन्होंने 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी का एक कहानी संग्रह आया था सोजे वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। क्यों जब्त कर लिया? क्योंकि अंग्रेजी सरकार का ये कहना था कि इसकी जो कहानियां हैं वो समाज में विद्रोह फैलाने वाली हैं। तो जब जब्त कर लिया गया तब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना नाम बदला, और अब उन्होंने जो है अपना नाम रख दिया जो है मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में। मुंशी प्रेमचंद जी ने पहले जो उपन्यास लिखे थे वो उर्दू में लिखे थे, बाद में उनका खुद उन्होंने ही हिंदी में रूपांतर किया, और कुछ उपन्यास फिर हिंदी में लिखे गए, हम आगे चर्चा करेंगे। तो हिंदी उपन्यास जो है उर्दू में, किसमें? उर्दू में, मतलब सबसे पहला जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है उसका नाम है असरारे माविद। इसका ट्रांसलेशन किस नाम से हुआ? देवस्थान का रहस्य। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास कौन सा है, असरारे माविद। फिर उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे पहला जो चर्चित उपन्यास हुआ वो है सेवा सदन। सेवा सदन भी पहले उर्दू में ही लिखा गया था, इसका नाम था बाजार ए हुस्न, और इसमें जो है 1918 ईस्वी में यह उपन्यास सेवा सदन के नाम से हिंदी में रूपांतरित हुआ। इसमें वेश्या जीवन पर आधारित जो है वेश्या जीवन पर आधारित है, अर्थात सारे देह व्यापार से आजीविका कमाने वाली जो महिलाएं हैं हमारे समाज की, उनकी जो है जीवन को यहां दर्शाया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा पहला उपन्यास कायाकल्प है।
ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास है कायाकल्प। लेकिन उसके पहले हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य उपन्यासों की, जो उपन्यास इनसे पहले आते हैं महत्वपूर्ण क्रम में हमने लिया है। वरदान, वरदान में प्रेम विवाह की समस्या है। प्रेम आश्रम बहुत ही चर्चित उपन्यास है, इसमें जमींदार एवं किसान के संबंधों पर आधारित है ये। मतलब किस तरह से उस समाज में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, उस कहानी को दिखाया गया है। रंगभूमि, औद्योगिकरण, देखिए मुंशी प्रेमचंद जी भी गांधी जी की नीति को फॉलो करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की चाहे आप कफन कहानी उठा लीजिए, चाहे जो है गोदान उपन्यास को उठा लीजिए, चाहे आप रंगभूमि को उठा लीजिए, इन सब में औद्योगिकरण के बढ़ते प्रभाव को, किस तरह से समाज पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ये दिखाया गया है। तो इसमें औद्योगिकरण और अंग्रेजों की शोषण की नीति है। कायाकल्प, इसमें पुनर्जन्म की कथा है ना? हम लोग कहते हैं ना कि पुनर्जन्म, तो ये पुनर्जन्म की का अवधारणा है। निर्मला, मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अच्छा, यदि चर्चित बहुत तो नहीं हुआ मित्रों, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा उपन्यास लगता है निर्मला। इसमें अनमेल विवाह की समस्या ली गई। अनमेल विवाह मतलब समझ रहे हैं, जैसे लड़की की उम्र मात्र 18 साल है लेकिन लड़के की उम्र 48 साल है, 52 साल है। आज भी हमारे समाज में ये कुप्रथा है, लोग देखते हैं कि अरे यार ये तो जो है इतना पैसे वाले हैं, हम इनके यहाँ अपनी बेटी तो ब्याह ही नहीं पाते। चलो कोई बात नहीं, उम्र ज़्यादा है तो क्या हुआ, कर दो। तो ये समस्या यहाँ उठाई गई है। गबन, गबन मध्यवर्गीय जीवन की असंगति पर है। वास्तव में आज समाज में ये चीज़ बहुत तेजी से है, आप खुद महसूस करिए, आप मैच्योर हैं, आप महसूस करिए, जो मध्यवर्गीय परिवार है वो सपने बहुत बड़े बड़े देखता है, लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो उस धरातल पर ही रह जाता है और उन सपनों को कभी साकार नहीं कर पाता। लेकिन जब उन्हीं सपनों को हम दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं, उन्हीं सपनों को दूसरे का सपना बना देते हैं, तब उन्हीं सपनों को लेकर के हमें जीने मरने की नौबत आ जाती है, और इसमें इसी चीज को दिखाया गया है। कर्मभूमि, हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों के उत्थान पर आधारित है। इसके बाद चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास की ओर, जिसका नाम है गोदान। 1936 में आया मित्रों गोदान, और गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि गोदान को क्या कहा जाता है, कृषक जीवन की महागाथा। नंबर दो, किसान के मजदूर बनने की समस्या है। मित्रों आप उस कभी समय मिले उस उपन्यास को जरूर पढ़ना, वास्तव में आज के प्रासंगिकता से जोड़कर आपको दिखाऊंगा। इसमें जो मुख्य पात्र हैं गोदान के, पहले हम उनकी चर्चा करें। देखिए गोदान में एक ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की कहानी एक साथ चलती है। वो इसलिए है कि जिस समय गोदान लिखा गया था उस समय मुंशी प्रेमचंद जी जो है मुंबई में थे, जिस समय लिख रहे थे वो फिल्म में पटकथा लिखने गए थे, तो वहाँ वो शहरी जीवन को देख रहे थे, ग्रामीण जीवन को उन्होंने हमेशा से देखा था। तो गोदान में ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन को जो है एक साथ रखा गया है। इसमें ग्रामीण जीवन के मुख्य पात्र हैं होरी महतो, गौर से नाम पढ़िएगा, होरी महतो, धनिया, होरी की पत्नी है, झुनिया, सिलिया, माता दीन, गोबर, गोबर जो है ये होरी का पुत्र है, ये ग्रामीण जीवन के पात्र हैं। शहरी जीवन के पात्र हैं मिस्टर मेहता, जो एक दार्शनिक है, फिलासफर है, मिस मालती एक पढ़ी लिखी महिला है, मिस्टर तंखा आदि तमाम लोग हैं। मित्रों यहां एक बात आप देखो, होरी के साथ क्या लिखा गया, होरी महतो, महतो मतलब जानते हैं मुखिया। होरी अपने गांव का एक सम्मानित किसान है, अपने गांव का मुखिया है, लेकिन वही होरी जमींदारों द्वारा की जा रही शोषण की समस्या का शिकार होकर के अंत में मजदूर बनकर पत्थर तोड़ते हुए मर जाता है। ये है हमारे समाज का सत्य। और क्या हुआ? आज होरी जिंदा नहीं है, होरी आज भी जिंदा है। एक बात बताना मित्रों, 6 लेन 4 लेन ग्रीन सिटी, येलो सिटी, पिंक सिटी, पता नहीं किस किस नाम पे किसानों की जमीन लगातार जो है वो पूंजीवादी वर्ग के लोग हड़पते चले जा रहे हैं। और किसान, अगर एक किसान के पास 2 बीघा जमीन है तो वो 5 लोगों का पेट आसानी से भर लेगा, लेकिन उस 2 बीघे से उसको जो मुआवजा मिलेगा वो मुआवजा कितने दिन चलेगा? उसकी आने वाली पीढ़ियां मजदूर बनने को मजबूर हो जाएंगी कि नहीं? फिर वो रोज कमाएंगी, रोज खाएंगी, नहीं कमाएंगी तो भूखों मरेंगी, होरी जैसी दशा होगी उनकी। तो होरी आज भी समाज में जिंदा है। ठीक, दूसरी चीज मित्रों, मिस्टर मेहता, मिस मालती, ये लोग
बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं समाज में, एक बहुत बड़ी बात आपको बताऊं जो गोदान में कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। वर्तमान में हमारे समाज में एक बहुत बड़ी अवधारणा उभर रही है, लिव इन रिलेशनशिप, बिना विवाह के एक साथ रहना। इसकी बात 1936 में गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। मेहता लास्ट में मालती से कहते हैं कि क्या हम विवाह कर लें। मालती कहती, क्या यह जरूरी है कि एक स्त्री और पुरुष विवाह के बाद ही एक दूसरे के साथ रह पाए? ये क्या है, ये यही तो लिव इन रिलेशनशिप है, बिना विवाह के साथ रहना। तो गोदान वास्तव में हिंदी का जो है अमूल्य धरोहर है। ठीक, आइए गोदान के बाद चलते हैं हम, जो है लास्ट पॉइंट मुंशी प्रेमचंद जी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा प्रश्न। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का अपूर्ण उपन्यास है। जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी इसकी रचना कर रहे थे तभी उस समय उनकी मृत्यु हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद हम आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर। इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और कालेकार। ठीक, निराला जी ने सामाजिक विसंगतियों को ही ज्यादा आधार बनाया है। अब आगे चलते हैं जैनेन्द्र कुमार जी पर। जैनेन्द्र कुमार जी के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, जयवर्धन और मुक्तिबोध। इनमें त्यागपत्र को मित्रों याद रखिएगा, ये इनका सबसे चर्चित उपन्यास है। एक्चुअली वास्तव में अगर आप देखें तो यह सत्य भी है कि समाज में कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो कि अपराध तो हैं लेकिन उनके लिए कोई सजा ही नहीं, कोई सजा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने थ्री इडियट फिल्म देखा होगा ना, थ्री इडियट में लास्ट में करीना कपूर क्या कहती है अपने पिता से कि यदि आपने भैया से एक बार कहा होता कि इंजीनियरिंग नहीं होती तुझसे तो छोड़ दे, इंजीनियरिंग नहीं होती तुझसे, जाने दे, जो होता है वही कर, तो आज वो जिंदा होते। कहीं ना कहीं उस बेटे के मरने के पीछे कौन योगदान है, पिता, लेकिन क्या समाज उसे दोषी मानता नहीं, वो तो ये कहता है बेटे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन दोष किसका है, पिता का, और भोगा कौन, बेटा। त्यागपत्र में भी इसी तरह की कहानी है, एक ऐसी महिला की कहानी है जो गलत काम नहीं करती है, प्रेम संबंध नहीं रखती है, लेकिन अगर प्रेम संबंध रखती भी है तो प्रेम संबंध कौन सी बुरी बात है, लेकिन उसे ऐसा दंड मिलता है कि उसका पूरा जीवन नरक बनकर रह जाता है। तो ये त्यागपत्र। इसके बाद आते हैं अज्ञेय जी की ओर। अज्ञेय जी में शेखर एक जीवनी, इन्होंने उपन्यास लिखा, नदी के द्वीप लिखा, अपने अपने अजनबी लिखा। इसमें शेखर एक जीवनी याद रखना मित्रों, दो भाग में लिखा गया उपन्यास है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। इनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा गजब का उपन्यास है। ये पाप और पुण्य की समस्या से प्रारंभ ही होता है यह उपन्यास, कि दुनिया में पाप क्या है और पुण्य क्या है, उसी समस्या से शुरू होता है चित्रलेखा, और आगे चल करके इसी की बात इसमें की जाती है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र। अगले उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। आप जानते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकारों उपन्यास के लिए बड़े चर्चित रहे हैं। इनका उपन्यास है विराटा की पद्मिनी। सबसे मुख्य उपन्यास है मृगनयनी, जो आप जानते हैं बुंदेलखंड के जो है पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, अहिल्याबाई। फिर अगले उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इनका एक ही उपन्यास हमने लिया है, सबसे चर्चित उपन्यास वैशाली की नगर वधु। नगर वधु मतलब आप जानते हैं जो नृत्य आदि के द्वारा जो है राजा आदि को प्रसन्न कर धन कमाने वाली महिलाएं होती थी, उन्हें नगर वधु कहा जाता था, और ये बड़ा ही उस समय सम्मान का पद था। नगर वधु होना मतलब ये अपने आप में एक गौरव की बात थी। तो इसमें वैशाली के नगर वधु बनने की कथा है। आइए चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ओर। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मित्रों मुख्य रूप से निबंध के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन उपन्यास में भी इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा जैसे उपन्यासों की जो है रचना की है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए मित्रों फणीश्वरनाथ रेणु जी जरूर पूछे जाएंगे, उसका मैं आपको कारण बता दूं। रेणु जी की सबसे खास बात है इन्हें आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता माना जाता है। अब आपके मन में पहला प्रश्न ये उठा होगा कि आंचलिक उपन्यास क्या है। आंचलिक शब्द अंचल से बना, अंचल माने एक क्षेत्र विशेष, तो वह उपन्यास जिसमें क्षेत्र विशेष की समस्याओं को दर्शाया गया हो उसे कहते हैं आंचलिक उपन्यास। अब इसमें क्या है, उस क्षेत्र की भाषा,
भाषा तो खड़ी बोली रहेगी, लेकिन उस भाषा का पुट होगा वहाँ, उस भाषा की छाप उस खड़ी बोली पर होगी, वहाँ की संस्कृत की छाप वहाँ दिखाई पड़ेगी, वहाँ के रीति रिवाज रहन सहन की छाप दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से जिन उपन्यासों में ऐसा हो उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। रेणु जी का एक सबसे चर्चित उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल 1954 ईस्वी में आया था मित्रों। ये पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है, पूर्णिया जिला बिहार में है, इसके मेरीगंज गांव की कथा है। अगला उपन्यास इनका है परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये सब इनके जो है। तो देखिए, एक मैला आंचल तो महत्वपूर्ण ही है, जुलूस भी याद रखिएगा, ये इनके चर्चित उपन्यास हैं। फिर आते हैं श्रीलाल शुक्ल जी की ओर, अगले उपन्यासकार, जिनका उपन्यास है राग दरबारी। कभी मौका मिले राग दरबारी जरूर पढ़िएगा, ये उपन्यास अपनी भाषा के लिए बड़ा चर्चित रहा। इसमें बिल्कुल एकदम जैसे हम आपस में मित्रवत बात करते हैं जो है, उस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, और बड़ा ही मतलब एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ा ही रोचक है उपन्यास, आपको मन ही नहीं करेगा कि इसको छोड़। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, राही मासूम रजा। मित्रों, कुछ उपन्यासकार ऐसे भी होते हैं जो बड़े छोटे स्तर से उठते हैं लेकिन उनकी रचनाएं समाज में कमाल कर जाती हैं। राही मासूम रजा जी गाजीपुर के रहने वाले थे, गाजीपुर जिले के रहने वाले थे, ये बनारस से सटा हुआ एक जिला है गाजीपुर, वहाँ के रहने वाले थे राही मासूम रजा जी। इनका एक उपन्यास है आधा गाँव, जो बहुत चर्चित हुआ था। इसमें गाजीपुर इन्हीं के जिले के गंगौली ग्राम की कथा है, और इसमें मुसलमानों के जीवन की क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, उसे उभारा गया है। हिम्मत जौनपुरी, ये भी एक मुस्लिम के कहानी है। दिल एक सादा कागज, ये इनके चर्चित उपन्यास हैं। हम आते हैं भीष्म साहनी की ओर, अगले उपन्यासकार, जिनका एक ही उपन्यास हमने लिया है तमस। वैसे तो इनका जो है मैया दास की माड़ी तमाम उपन्यास हैं, लेकिन मेन उपन्यास इनका तमस है, जो आपसे पूछा जाएगा। एक्चुअली तमस की सबसे खास बात क्या है मित्र, ये उपन्यास भारत और पाकिस्तान विभाजन की समस्या पर लिखा गया, और ये दिखाया गया है कि भारत में जो दंगे हुए हैं वो दंगे जो है अंग्रेजों द्वारा कराए गए हैं। प्रशासन तब अंग्रेजों के हाथ में था, तो अंग्रेजों द्वारा जब भारत में प्रशासन आया तो दंगे बंद हुए, तो ये दंगे अंग्रेजों द्वारा कराए गए हैं। भीष्म साहनी, तमस। और लास्ट हम लेते हैं धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, दो उपन्यास। गुनाहों का देवता पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो युवा होना बेकार है, वो युवा ही क्या जिसने गुनाहों का देवता न पढ़ा हो। बिल्कुल पढ़कर देखिएगा मित्रों, आपको 50 पेज पढ़ते पढ़ते लगेगा कि यार ये किसी दूसरे की नहीं मेरे साथ घट रही घटना है। और अगर उपन्यास पढ़ने के बाद 2 दिन तक आपका किसी से बात करने का मन करे तो समझो कि आप जो है दिलदार आदमी नहीं है, आप पत्थर दिल आदमी है। ये ऐसा आपके मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ता है कि 2 दिन लगेगा बस अपने में खोए रहे, ना कोई हमसे बोले ना हम किसी से बोले। गजब का उपन्यास है। इसमें मित्रों एक खास बात है, इसका जो नायक है वो चंदर है और इसकी जो नायिका है वो सुधा है। सुधा एक ब्राह्मण कन्या है और चंदर जो है वो एक शूद्र है, मतलब नीची जाति का व्यक्ति है। और सुधा चंदर के बीच की प्रेम कथा है इसमें। सुधा का विवाह दूसरे से कर दिया जाता है और सुधा ने जैसे जीवन से हार मान ली, तिल तिल कर मरती हुई सुधा मर जाती है। और सुधा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए चंदर सुधा की चचेरी बहन बिनती से विवाह कर लेता है। बिनती भी क्या है भाई, चचेरी बहन अर्थात ब्राह्मण। और ये उपन्यास केवल प्रेम कथा के लिए चर्चित नहीं है, पहली बार किसी साहित्यकार ने इतने बड़े फलक पर अनमेल विवाह को दिखाने, अनमेल विवाह नहीं क्षमा करें, अंतरजातीय विवाह को दर्शाने की कोशिश की है। और भला हो धर्मवीर भारती जी का, मेरे भाई चले गए धर्मयुग का प्रकाशन करने जो है मुंबई, नहीं तो इलाहाबाद का अभिजात वर्ग हाथ में जूता लेके खोज रहा था धर्मवीर भारती को, क्योंकि पहली बार किसी ने जो है अंतरजातीय विवाह दिखाने की हिम्मत की थी। और इनका एक अगला उपन्यास है सूरज का सातवां। तो इस तरह से फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मित्रों आपसे एक बात जरूर चर्चा करूं, देखिए कुछ बच्चों ने हमसे कहा कि सर उपन्यास जो है रचनाओं को याद करने का
ट्रिक से कितनी रचना याद करेंगे यार, जिन्हें यूट्यूब पे अपना वीडियो बेचना है वो भले 10 ट्रिक 4 ट्रिक ला के आपको 4 रचना याद करा दें, 10 रचना याद करा दें, लेकिन जितना हमने साहित्य पढ़ाया कितना ट्रिक देंगे, और ट्रिक भी यार 2-4 याद होती है, 50 थोड़ी याद होती है। इसलिए समय पर्याप्त है, इसका नोट्स बनाइए और रोज दोहराते रहिए सत्यनारायण बाबा के कहानी की कथा की तरह, रोज बांचते रहिए, रोज बांचते रहिए, अपने आप याद हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बचे हुए उपन्यासों की चर्चा करेंगे और आगे के गद्य साहित्य की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू चंद्रा शुल इलाहाबाद। आज हम लोग जानेंगे कैसे चंद्रा शुल का ऐप को इंस्टॉल करें या कैसे उस पर अपने कोर्स को देखें, परचेज करें। ठीक, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको क्या लिखना है, चंद्रा शुल इलाहाबाद। जैसे ही लिखेंगे तो आप सामने एक तरह का एक मतलब लोगो आ जाएगा और आपको क्या करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पर रिव्यू दे सकते हैं ऐप के बारे में। उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है। ठीक, ओपन बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऑब्लिक यूज़र आईडी और दूसरा लिखा है इंटर पासवर्ड। अगर आपको पहले आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की, ठीक है, अगर आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की तो आप यहाँ पे अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट, आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पे 2 लोगो दिए गए हैं, यूट्यूब, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यहाँ पे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आती है ऐप से रिलेटेड तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर आप नए हैं तो क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको 3 या 4 चीज़ें भरनी है। पहला, इंटर योर नेम, आपको अपना नाम भरना है। इंटर यूज़र आईडी योर सेल्फ, अब आईडी आप कुछ भी रह सकते हैं, नाम, नंबर, यानी मिला के, यानी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जरूरत नहीं है, आप कुछ भी आईडी रख सकते हैं। इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो या आपके साथ रहता हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद 2 बार पासवर्ड, और क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा, OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और आपको OTP, ठीक है, जैसे ये मैंने भरा हुआ है, नाम हो गया, आईडी हो गया, आईडी कुछ भी हो सकती है, नंबर मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, प्लीज़ इंटर OTP हियर, जो आपने मोबाइल नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डालना होगा। जैसे OTP डालेंगे, सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड की। तो आपको जो अभी आपने आईडी या मोबाइल नंबर डाला दोनों में सेफ चीज़ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप का जो होम स्क्रीन है वो सामने आपके आ जाएगा। ठीक, यहाँ मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास आईडी बनी हुई, आपको आप अगर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सामने ये मैसेज आ गया कि ये आईडी या ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 बार नया पासवर्ड डालेंगे और रीसेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है जो बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे OTP मांगेगा। आपको क्या करना, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है, अब अपना मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। इन द केस अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस केस में, ठीक। उसके बाद जैसे ही आपने मान लो लॉगिन किया, आपने सक्सेसफुली सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करेंगे आप सामने ये स्क्रीन आएगी, पहली स्क्रीन होम स्क्रीन होगी जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हमारे थोड़ा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दी जाएगी और यहाँ पे एक बटन है क्लिक हियर टू ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आपको कोई नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर तक मंगवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम, पता, एड्रेस डालकर, ये सर्विस अभी चालू नहीं, जब चालू होगी बता दी जाएगी, अगले 10-15 दिन में चालू हो जाएगी, यहाँ से आप हार्ड कॉपी के लिए नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। फिर दूसरा कोर्स का देखिए, कई सारे टाइप है, होम कोर्सेज, परचेज कोर्स और फ्री नोट्स। तो पहला होम वाला देख लिया, आप कोर्सेज में जाके देखेंगे, कोर्सेज में आपके जितने भी हमारे द्वारा कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, कब से स्टार्ट हो रहा है, हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, आप उसको डेमो वीडियो को देख सकते हैं। और
उस कोर्स का कितना अमाउंट है और आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्स KBS PRT CTT प्राइमरी UPTET प्राइमरी। ठीक, उसके बाद अगला टैप था क्या था, कोर्सेज का परचेज कोर्स। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स कोर्सेज से हट कर कहाँ आ जाएगा, परचेज में। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा और उसके अंदर सारी वीडियो आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा तो परचेज कोर्स में वो कोर्स दिखेगा। अभी आगे देखते हैं कैसे आएगा वो। ठीक, अगला टैप था फ्री नोट्स का, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, ये तो अभी डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हट जाएगा। ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा वो डालना फ्री नोट्स। जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टेलीग्राम यहाँ पे मिलते थे, अब आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक, तो फ्री नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जो भी मटेरियल कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। आप इसको फुली बिना कोई अमाउंट के डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक, तो मैंने मान लो कोई एक कोर्स लिया, मान लो BEO ले लिया, तो उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर अंदर 3-3 डेमो होंगे। अभी डेमो बन रहे हैं, वो जल्दी डाले जाएंगे, तो डेमो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, बाई फुल कोर्स एट 5290 जो भी अमाउंट होगा, आपको क्या करना, उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो 3-3 अंदर दिख रहे हैं उसको पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाई करते हो। तो जैसे ही बाई फुल कोर्स एट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस में आपको अपना नाम सही सही भरना है, अपनी ईमेल आईडी सही सही भरनी, क्योंकि जो रसीद है, रिसीप्ट है, वो इसी पे जाएगी। अपना मोबाइल नंबर सही से भरना है और कूपन कोड अगर कोई सर ने जारी किया, जैसे अभी न्यू ईयर का कूपन कोड चल रहा है C2020, तो समय समय पे अगर चंद्रा के द्वारा कोई कूपन दिया जाता है तो उस कूपन कोड को यहाँ पे डाल के आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट में न्यू ईयर का जो कूपन कोड है C2020, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी इतने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट्स, UPI। तो आपके लिए आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे डेबिट कार्ड का यहाँ पे है तो कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का क्या नाम है, कार्ड पर एक्सपायरी और CVV, ATM कार्ड की जो CVV पिन होता है 3 नंबर का, वो यहाँ डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यहाँ बहुत सारे बैंकों के नाम है, आपका जो भी नेट बैंकिंग आप जो चलाते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट्स, अलग अलग वॉलेट्स, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ई पे लेटर, ओला मनी, जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI, अगर आप UPI चलाते हैं, गूगल पे या फिर भीम, जो भी हो आप चलाते हैं, आप वहाँ उस UPI एड्रेस को डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने परचेज कोर्स जो कि खाली था, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी परचेज है एक ID पर, CTET प्राइमरी और UPTET प्राइमरी। तो जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्स बाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो परचेज कोर्स के अंदर वो जो जिसके लिए आपने पेमेंट किया है वो कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी टोटल वीडियो होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक, और सारी ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट होगा जहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बाहर आना है तो साइन आउट कर सकते हो। ठीक, जैसे प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल में नाम हो गया, ID हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप इस तरह आप अपने ऐप को चला सकते हो। लेकिन तो अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बहुत सारी ID में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। ठीक, फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करें, अगर आपके सामने ये लिख के आता है कि ID या मोबाइल नंबर ID रजिस्टर दिखा रहा है, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो रजिस्टर दिखा रहा है, वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और 2 बार पासवर्ड डालना और रीसेट कर देना है। अब आप लॉग इन करेंगे तो अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको सीधे क्या करना, लॉग इन करना मोबाइल नंबर डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो इस तरह आप ऐप को यहाँ से आसानी चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सारी सुविधा सॉल्व होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।